केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने मोसूल पर राजनीति के लिए कहा कि कांग्रेस और राहुल माफी मांगे। अनंत कुमार का कहना है कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने मोसूल को लेकर संसद के भीतर और बाहर दोहरापन दिखाया और ऊंची राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फोन कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की। साथ ही उन्होंने शी जिनपिंग को लगातार दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता है जिन्होंने शी जिनपिंग को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। चीन की एक सरकारी न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं तथा दोनों का वैश्विक प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक साल पूरा होने के बाद अब मंत्रिमंडल में पहला फेरबदल किया जा रहा है। योगी सरकार 19 मार्च को योगी सरकार के एक साल पूरा होने के बाद ये बदलाव किया जाएगा। खबर के अनुसार 10 अप्रैल को अमित शाह के यूपी दौरे के बाद ये योगी सरकार की के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बाबनिया और बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने जेल में भूख हड़ताल कर दी है। उनका आरोप है कि माफिया डॉन छोटा राजन के बैराक में टीवी, किताब समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, पर उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही। जफराबाद पड़ोसी युवक ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। जब उसने शोर मचने के बाद पता लगा तो उसके पेरेंट्स वहां जा पहुंचे तो उसके आसपास के लोग भी जा पहुंचे, जिन्होंने जमकर उसकी पिटाई की। इसकी सूचना फिर पुलिस को दी। पुलिस ने रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। टीम इंडिया के श्रीलंका में खेले गए निधास T20 ट्राई सीरीज का खिताब जितवाने के बाद रोहित शर्मा का अगला टारगेट IPL के टीम मुंबई इंडियन को चौथी बार चैंपियन बनाने पर है। पर इससे पहले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अपनी वाइफ रितिका सचदेव के साथ फुर्सत के कुछ पल बिता रहे हैं और साथ ही उन्होंने तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करी है, जिसे आधे घंटे में 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं। 2000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनेगी बाहुबली। हॉलीवुड फिल्मों की तरह भारतीय फिल्म भी 2000 करोड़ क्लब में शामिल होने जा रही है। दरअसल प्रभास स्टारर बाहुबली 2 को चीन में प्रदर्शन के दौरान हरी झंडी मिल गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह फिल्म बॉलीवुड में 2000 करोड़ शामिल करने में साबित होगी।